प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का साम्य का अध्ययन करेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का डिटेल में अध्ययन किया था। अभी आपको इतना संक्षिप्त में बताना पर्याप्त होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अनेक फर्में होती हैं, अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं जो कि समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। एक अकेली फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। जो वस्तु की कीमत है उसका निर्धारण उद्योग के अंतर्गत होता है। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं विभिन्न उद्योगों के बीच में। तो विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो उद्योग है वह फर्मों का समूह होता है और फर्म समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। एक उद्योग में अनेक फर्में क्रियाशील होती हैं, उत्पादन कार्य में संलग्न होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की खास बात यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक अकेली फर्म कीमत का निर्धारण नहीं कर सकती। जो फर्म है वह प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जो कीमत है उसका निर्धारण उद्योग के अंतर्गत मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से होता है। जैसा कि आपको इस चित्र संख्या एक में आपको दिखाया गया है कि ओ वाई अक्ष पर कीमत इसका लिया हुआ है, ओ एक्स अक्ष पर हमने उत्पादन मात्रा ली हुई है और उद्योग के मांग और पूर्ति वक्रों के सामने के माध्यम से कीमत निर्धारित होती है। यदि प्रारंभ में जो वस्तु की मांग है वह डी डी है और कीमत एस एस है, पूर्ति वक्र एस एस है, तो जो कीमत है पी वन निर्धारित होगी और यह पी वन कीमत जो फर्म है उनके लिए दी हुई होगी। फर्म इस कीमत पर दी इस दी हुई कीमत पर जितनी चाहे मात्रा बेच सकती है। फर्म अपनी वस्तु की समस्त इकाइयों को इस दी हुई कीमत पर भी बेचती है। इसलिए फर्म के लिए जो एवरेज रेवेन्यू है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वह कीमत के बराबर होता है। जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की जो रेखा है वह क्षैतिज होती है, ओ एक्स अक्ष के समानांतर होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म है वह प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। यदि उद्योग में यदि कीमत में परिवर्तन होता है, मान लीजिए मांग वक्र बढ़कर डी डी वन हो जाता है तो कीमत बढ़कर पी टू हो गई है। नया साम्य उद्योग का इस ई पॉइंट से सपोज ई टू पॉइंट पर आ गया है, ई वन पॉइंट से ई टू पॉइंट पर आ गया है, कीमत पी टू हो गई है। तो विद्यार्थियों, फर्म के लिए यह पी वन और पी टू अब कीमत दी हुई होगी। फर्म इस पर अपने उत्पादन मात्रा का निर्णय करेगी कि पी टू कीमत पर फर्म कितना उत्पादन करेगी। विद्यार्थियों, जहां तक फर्म के सामने की बात है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, तो हम फर्म के सामने की चर्चा करते समय हम कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं। ये मान्यताएं हैं कि फर्म विवेकशील है, फर्म का व्यवहार विवेकशील है, जिसका मतलब है फर्म अपने लागत को न्यूनतम करना चाहती है और लाभ को अधिकतम करना चाहती है। दूसरी मान्यता ये लेकर चलते हैं कि फर्मों को बाजार की पूरी जानकारी है, पूर्ण जानकारी है। और एक मान्यता हम ये भी लेकर चलते हैं कि उत्पादन के साधनों की सभी इकाइयां एक जैसी कार्यकुशल हैं
और फर्म साधन बाजार से जितनी चाहे मात्रा सामग्री खरीद सकती है। साधनों की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है। इन मान्यताओं के अधीन रहते हुए हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के सामने की चर्चा करेंगे। तो फर्म के सामने को हम दो स्थितियों में देख सकते हैं, अल्पकाल में फर्म का सामने और दीर्घकाल में फर्म का सामने। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के स्थिर साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उत्पादन के जो परिवर्तनशील साधन हैं, जैसे श्रम है, कच्चा माल है, उनमें ही परिवर्तन किया जा सकता है। फर्म अल्पकाल में अपने प्लान का साइज नहीं बदल सकती। फर्म दिए हुए प्लान साइज पर ही परिवर्तनशील साधनों की अधिक या कम मात्रा का प्रयोग कर सकती है। विद्यार्थियों, अल्पकाल में फर्म का संतुलन कहाँ होगा? ये संतुलन के लिए फर्म के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए कि फर्म का संतुलन वहां होता है जब कीमत, सीमांत आगम, औसत आगम और सीमांत लागत, ये चारों एक दूसरे के बराबर हैं। यानी हमारी पहली शर्त संतुलन के लिए, फर्म के संतुलन के लिए पूरी यह होनी चाहिए कि P इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम सी, और दूसरी शर्त यह पूरी होनी चाहिए कि एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटे। यानी संतुलन स्थिति के बाद जो एमसी वक्र है वह बढ़ता हुआ होना चाहिए। हमने पिछले वीडियोज में भी इन शर्तों के बारे में डिस्कस किया था। तो फर्म का अल्पकाल में संतुलन इन दोनों शर्तों के एक साथ पूरा होने पर होता है। और विद्यार्थियों, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म चूंकि अपना प्लांट साइज नहीं बदल सकती, इसलिए फर्म को अल्पकाल में असामान्य लाभ हो सकते हैं या सामान्य लाभ हो सकते हैं या फर्म को हानि हो सकती है। यानी फर्म के संतुलन की स्थिति में फर्म इन तीनों स्थितियों का सामना कर सकती है। तो फर्म जो है सामान्य लाभ कमा सकती है, असामान्य लाभ उसको मिल सकता है या हानि उसे हानि पड़ सकती है। हमने इन तीनों स्थितियों को चित्र के माध्यम से दर्शाया है कि अल्पकाल में फर्म के लिए संतुलन की स्थिति में क्या स्थिति होगी। तो सबसे पहले आप इस दो नंबर वाले डायग्राम को देखिए। ओ एक्स अक्ष पर हमने उत्पादन मात्रा ली है, ओ वाई अक्ष पर कीमत और लागत और आगम सारे दिखाए हुए हैं। यानी ए आर एम आर और ए सी और एम सी, ये हमने जो ओ वाई अक्ष है उस पर हमने दिखाया हुआ है कीमत, औसत लागत, औसत आगम, सीमांत लागत और सीमांत आगम। तो यहाँ देखिए कि फर्म के लिए मान लीजिए जो कीमत दी हुई है वह ओ पी कीमत दी हुई है। इस ओ पी कीमत पर जो कीमत है वह एम आर और ए आर के बराबर है। फर्म का जो सीमांत लागत वक्र है वह इस रेखा को जो कीमत है उसको जो एम आर और ए आर जो रेखा है इसको इस टी बिंदु पर काटता हुआ गुजर रहा है। लेकिन इस टी बिंदु पर जो फर्म का औसत लागत है वो फर्म की औसत लागत यहाँ एस बिंदु पर है। यानी इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो ए आर है वह ए सी से ज्यादा है। अब यहाँ ए आर ग्रेटर है ए सी है, तो इस स्थिति में फर्म को असामान्य लाभ होगा
और जो प्रति इकाई फर्म का लाभ है वो टी एस के बराबर होगा और जो कुल लाभ है फर्म का वह पी आर पी एस इस आयत के बराबर फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होगा। यहाँ ए आर ग्रेटर देन ए सी है, यहाँ पर हमारी संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि संतुलन बिंदु पर जो एम आर एम सी के बराबर है और जो एम सी कर्व है वह एम आर कर्व को नीचे से काट रहा है, लेकिन यहाँ पर फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। अब हम इस तीसरे चित्र पर आते हैं, यहाँ पर आप देखिए ओ की कीमत पर फर्म का जो ए आर और एम आर बराबर है और ई बिंदु पर संतुलन में है, ई बिंदु पर जो एम सी कर्व है वह एम आर कर्व के बराबर है और इस ई बिंदु पर एम सी एम आर ए आर सब एक दूसरे के बराबर है, ए आर इक्वल टू एम सी की है क्योंकि हमारा ये वाला जो वक्र है वह ए सी कर्व है और इस ई बिंदु पर ए आर इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ फर्म को सामान्य लाभ मिल रहे हैं क्योंकि हमने लागत की अवधारणा में देखा था कि जो फर्म के लागत वक्र है उसमें सामान्य लाभ भी निहित होता है। अब हम बात करते हैं इस चौथे डायग्राम की, तो इसमें आप देखिए कि ओ पी कीमत पर ए आर एम आर ओ पी कीमत फर्म के लिए दी हुई है और उद्योग के द्वारा ओ पी कीमत निर्धारित है। इस ओ पी कीमत पर जो एम सी वक्र है वह एम आर वक्र को एस बिंदु पर काटना है और नीचे से काटना है। यहाँ हमारी संतुलन की शर्तें तो पूरी हो रही है विद्यार्थियों, लेकिन आप देखिए इस एस बिंदु पर जो ए सी है वह ए आर से अधिक है। एस बिंदु पर जो ए सी है वह यहाँ पर है सी पॉइंट पर है, तो जो फर्म का तो जो ए सी है वह ए आर से कम है, तो फर्म को प्रति इकाई टी एस के बराबर हानि हो रही है और जो फर्म की जो कुल हानि है वह होगी पी आर और टी एस इस आयत के बराबर, इस आयत के बराबर फर्म को हानि होगी। तो यहाँ पर जो फर्म है जो उत्पादन मात्रा फर्म की निर्धारित हो रही है, आप इन सब में देख सकते हैं फर्म ओ क्यू उत्पादन मात्रा यहाँ पर निर्धारित करेगी और इनमें फर्म दी हुई मात्रा जो फर्म की कीमत दी हुई है फर्म के लिए उस पर फर्म ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करेगी और हमने यहाँ तीनों डायग्राम में देखा कि फर्म को सामान्य लाभ हो सकते हैं या असामान्य लाभ हो सकते हैं या फर्म को हानि भी हो सकती है। तो विद्यार्थियों अल्पकाल में फर्म के लिए तीनों स्थितियां हैं। अब आपके दिमाग में मन में विद्यार्थियों ये प्रश्न आना चाहिए कि फर्म हानि उठाकर उत्पादन को चालू क्यों रखती है, क्या फर्म हानि उठाकर भी अल्पकाल में उत्पादन करती है, क्या कोई फर्म हानि उठाकर भी उत्पादन करना चाहेगी, तो ये आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या अल्पकाल में फर्म हानि उठाकर भी उत्पादन को चालू रखती है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं।